सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने नंस इक्वेशन देखा था और नंस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बनाना सीखे थे, ठीक है। तो लेटस मैंने आपको कल बताया था कि आप किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए शायद लेक्चर वन या लाइक आई थिंक लेक्चर टू में बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसा होना चाहिए हमारा, ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका खुद का पोटेंशियल क्या हो, जीरो। तो इस और जो भी ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसका मतलब यहाँ पे जो भी आप मेटल रखोगे उस वजह से या ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन, उस वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और वोल्ट मीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। और क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड का क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्योंकि जो भी पोटेंशियल होगा इसके वजह से, इसका तो आपने पोटेंशियल ऑलरेडी क्या माना, जीरो। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, इट इज़ वेरी इंपॉसिबल, क्योंकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का आप सिर्फ चेंज निकाल सकते हो, राइट। दूसरी बात क्या होती है, अब IUPAC ने क्या किया, IUPAC ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम पे उन्होंने एक इलेक्ट्रोड इन्वेंट किया था, वो था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। और ये एक तरीके का क्या होता है, गैस आयन हाफ सेल। पहला हमने मेटल आयन हाफ सेल कवर कर लिया है, अब हम कवर करेंगे गैस आयन हाफ सेल। दो या तीन लेक्चर के बाद जब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फिर बाकी के जो तीन आपके सेल बचते हैं, रेडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, कैलामेल इलेक्ट्रोड और मेटल इनसॉल्युबल तुम्हारे लिए एडवांस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो मेटल आयन गैस आयन हाफ सेल, और या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके ऊपर, मेटल इनसॉल्युबल एनायन हाफ सेल के ऊपर, ठीक है। तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे, बट नॉट आज हम सिर्फ गैस आयन हाफ सेल करेंगे। टोटल पाँच में से दो तो कवर हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, SHE के फॉर्मेट में या शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, इट इज अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल, इट इज अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल, इट इज अ टाइप ऑफ गैस आयन हाफ सेल इन विच गैस यूज इज इन विच गैस यूज इज H2, इन विच गैस यूज इज H2 एंड इट्स आयन आर H+ आयन एंड इट्स आयन आर H+ आयन। देखो ऐसा नहीं, गैस आयन हाफ सेल सिर्फ एक यही होता है, Cl2 और Cl- के कॉम्बिनेशन का भी जो आप गैस आयन हाफ सेल यूज़ करोगे वो भी एक तरह का क्या होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं बोल सकते उसे, लेकिन एक तरह का गैस आयन हाफ सेल होगा। Cl2 है गैस है और उसका आयन मतलब आयन, तो गैस आयन हाफ सेल। बट नॉर्मली हमारे पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज अ यूज़ करते हैं और इस पर बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि H+ आया तो H+ का सोर्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकता हूँ H+ का सोर्स, मैं मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ले सकता हूँ, मतलब पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम वो यहाँ पे आपको क्या कर सकता है, यूज़ करवा सकता है। तो इट्स अ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड अज्यूम्ड बाय IUPAC, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज्यूम्ड बाय IUPAC, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज्यूम्ड बाय IUPAC, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड हाफ सेल एज वेल एज कैथोड हाफ सेल, ठीक है। इट्स अब एनोड हाफ सेल का होगा तो किसका, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे जो भी इलेक्ट्रो, और कैथोड हाफ सेल क्या शो करता है, रिडक्शन पोटेंशियल शो करता है। तो और दोनों ही इसका क्या मानते हैं, हम जीरो मानते हैं। तो इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन
potential, its standard oxidation potential, as well as standard reduction potential is assumed to be zero, is assumed to be zero, is assumed to be zero by IUPAC ने इसका ऑलरेडी क्या कर रखा है, इसका क्या कर रखा है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल जीरो माना। अगर H2 से H+ गया मतलब क्या, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भी जीरो है, और अगर H+ से H2 गया तो भी रिडक्शन हो रहा, तो भी क्या मानोगे आप इनको, जीरो मानोगे। ठीक है बेटा, चलो अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है देखो। सब एक कंटेनर होता है, ठीक है, यहाँ पे अब होता क्या है इसमें, अब यहाँ पे अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे करेंगे, ये तो गैस आयन हाफ सेल, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोड के आप ट्रांसफर तो कर जो, क्योंकि सॉलिड मटेरियल चाहिए ना कुछ ट्रांसफर करने के लिए। तो होता क्या है इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है प्लेटिनम वायर हम यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड, और प्लेटिनम वायर क्या होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो वो कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो वो सिर्फ क्या काम करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। तो हम यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड ले लिए प्लेटिनम वायर, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ प्योर एच टू गैस को ट्रांसफर कर रहा हूँ, प्योर एच टू गैस को क्या कर रहा हूँ मैं भेज रहा हूँ एट कितने प्रेशर पे, एट 180 प्रेशर पे, कितने पे 180 प्रेशर पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है HCl सॉल्यूशन लिया है, HCl सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो इसका मतलब H+ का कंसंट्रेशन यहाँ कितना हुआ 1 मोलर हुआ, H+ का कंसंट्रेशन, इसका मतलब दिस इज सॉल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, अब होगा क्या कि मान लो आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, यहाँ से H2 गैस भेजो, यहाँ पे H+ है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन ब्लैक होता है ना, ये जो है ये एक तरीके का क्या है कार्बन ब्लैक। ठीक है, कार्बन ब्लैक आप शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे गुड ऑब्जर्वेंट होता है, तो आप क्या कहते हैं ये कोई भी गैस को क्या कर लेता है एडजॉर्ब कर लेता है, एडजॉर्ब मतलब अपने सरफेस के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर कोई चीज डिपॉजिट हो रहा है तो हम उस बोलते हैं वो सब्सटेंस क्या कहते हैं अच्छा एडजॉर्बेंट है, ये हम सर्फेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और बाकी इसका आप ऑर्गेनिक में प्रैक्टिकल यूज देखो, कार्बन ब्लैक क्या करता है गैस को एडजॉर्ब कर लेता है। तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप भेजोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे इसके अंदर क्या हो जाएंगे एडजॉर्ब हो जाएंगे, इसके अंदर एडजॉर्ब हो जाएंगे, और बचा कुछ एच टू गैस क्या हो जाएगा अगर और फर्दर आप भेजे जा रहे हो तो जितना जरूरत है उतना तो ये कार्बन ब्लैक क्या कर लेगा अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा, और बचा कुछ हाइड्रोजन गैस क्या कर लेता है बुलबुले बन के बाहर चला जाता है। एक समय के बाद क्या आएगा कि यहाँ पे एच प्लस आ जाएगा और एच टू गैस है, मतलब एच टू और एच प्लस क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, क्या आ जाएगा एच टू और एच प्लस क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। आई बस समझ में, जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा बचा कुछ H2 गैस अपने आप क्या हो जाएगा बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो जैसे H2 और H+ जैसे क्या होगा, अब ये H2 क्या होगा H+ बाहर है H2 अंदर है, मतलब अंदर ही सॉल्यूशन के अंदर H2 भी है, मतलब इस तरीके से देखो ना आप, इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर H2 भी और H+ भी, और एक समय के बाद क्या होंगे ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। भाई इसको जितना H2 रिक्वायरमेंट है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने के लिए उतना ही H2 एब्जॉर्ब कर लेगा, और H भेजो यहाँ पे H+ है सॉल्यूशन में H+ उसके साथ ही क्या कर लेता है इक्विलिब्रियम बना लेता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, मतलब फर्दर आप ऐसे पकड़ लो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा ये ट्रांसफर कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाते हैं फिर ट्रांसफर हो जाते हैं। आई बस समझ सबको, तो इस तरीके से काम करता। अब आप इसको, अब इसके खासियत क्या, इसकी खासियत ये है कि भैया आप जो है इसको एनोड के जैसे, एनोड हाफ सेल के जैसे भी एक्ट करवा सकते हो, और इसको कैथोड हाफ सेल के, तब हम देखते हैं इनकी वर्किंग क्या, आखिर एनोड के जैसे कैसे काम करते हो कैथोड के जैसे कैसे काम करते हैं। तो केस 1 में बना रहा हूँ
such act as anode half cell. As such act as anode half cell. ठीक है, तो हर हाफ सेल के बारे में चार पांच बातें आपको पढ़नी। पहला है एनोड हाफ सेल रिएक्शन। एनोड हाफ सेल रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड हाफ सेल में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे होगा क्या? हाइड्रोजन गैस क्या देगा आपको? ट्वाइस ऑफ एच प्लस, और दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। इसका ई नॉट एच टू ऑब्लिक एच प्लस की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रेजेंटेशन एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन देखो, या तो आप दो तरीके से, सॉलिड मटेरियल सबसे क्या होता है एनोड हाफ सेल में, याद करो लेफ्ट मोस्ट रहता है प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक एच टू गैस, प्रेशर पी वन ए टी एम मान लेता हूँ रिलेटेड भी, ऑब्लिक एच प्लस एक्वस लेट सी वन मोलर मान लेता हूँ। मैं क्या मान लेता हूँ इसका? सी वन मोलर। या तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करोगे, या तो आप प्लेटिनम हाइड्रोजन, प्लेटिनम हाइड्रोजन पी वन ए टी एम ऑब्लिक एच प्लस एक्वस सी वन मोलर, प्लेटिनम हाइड्रोजन, या तो आप, क्योंकि प्लेटिनम के साथ ही कार्बन ब्लैक जुड़ा हुआ है और यहीं से हाइड्रोजन गैस क्या करता है? इक्विलिब्रियम पे आता है। तो हम दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ है नहीं इसमें कोई साइन, बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं, जस्ट सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अगर मैं नन्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो नन्स्ट इक्वेशन आप कैसे अप्लाई करोगे? नन्स्ट इक्वेशन फॉर्मूला क्या था? ई एफ ओ पी बराबर ई नॉट ऑफ ई ओ पी माइनस जीरो पॉइंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन। क्या इस तरीके से फॉर्मूला होता है? ठीक है, तो इसका मतलब ई ऑफ ओ पी बराबर क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो गया आपका, तो माइनस 0.059 बाई टू लॉग ऑफ एच प्लस का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एच प्लस है। ठीक है, तो जो भी कॉफिशेंट होगा वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा एक बात और देखो, मेरी यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे क्या हो? कंसंट्रेशन आयन तो होगा बट साथ ही साथ प्रेशर ऑफ गैस भी होगा। क्यों? क्योंकि गैस है ना बेटा, अगर गैस का प्रेशर दिया तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा? एच टू गैस। आई बात समझ सबको? समझ में आया? तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगर आपको ऐसा चाहिए एज एनोड यूज करना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम इस तरीके से इसका निकालते हैं। आपको कुछ नहीं करना उसकी जगह पे, बस आपको एच प्लस तो एज इट इज रहेगा जो हम पहले भी देखे हैं। बस यहाँ पे क्या था? एक्स्ट्रा में गैस का प्रेशर आ जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे सॉलिड होता तो आप इसका एक्टिविटी वन मान लेते थे, लेकिन वो सिर्फ होता है मेटल मेटल आयन में, इसमें ऐसा नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू इज इक्वल टू वन ए टी एम, लेट मान ले मैं क्या मान ले चल रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू क्या है मेरा? 1 atm। तो E of OP क्या हो जाएगा? E of OP बराबर हो जाएगा माइनस 0.059 बाई 2। 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, log of H plus, तो इसका मतलब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और माइनस log of H plus क्या होता है? याद करिए फॉर्मूला pH होता है। तो E of OP का फॉर्मूला हो जाएगा 0.059 pH of anode। ठीक है, pH of anode। तो ये मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है अगर ऐसा चीज एज अ एनोड हम यूज करेंगे। ठीक है, केस टू की बात करूं मैं, केस टू क्या है? एस एच ई को अगर हमने कैथोड के जैसे यूज किया तब क्या होगा? तो पहले मैं रब कर देता हूं इसको। ठीक है, अगर ऐसा चीज एज कैथोड यूज करें तो आप पहले क्या करोगे? कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि ट्वाइस ऑफ एच प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा?
एच टू गैस देगा, ठीक है। तो वही रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन, बस यहाँ पे रिडक्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, दैट इज वाई मैंने ये लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होगा, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। अब वहाँ पे क्या होता था, सॉलिड वाला सबसे पहले आता था और एक्वस वाला सबसे लास्ट में आता था। अब उल्टा हो जाएगा, पहले एक्वस वाला पार्ट आएगा, मतलब क्या लिखूंगा मैं, एच प्लस एक्वस सी टू मोलर ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन पी टू ए टी एम, ठीक है। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे एच प्लस एक्वस सी टू मोलर ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस पी टू ए टी एम ऑब्लिक प्लेटिनम सॉलिड, ठीक है। या तो आप इस तरीके से क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो वही उल्टा है, बस आप दोनों को जोड़ दो, हालांकि दोनों को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल जीरो होगा, बट याद रखिएगा अगर आप एज अ कैथोड यूज़ करोगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसे मिलेगा, और एज अ एनोड यूज़ करोगे तो रिप्रेजेंटेशन आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है बेटा। तो अब आपको समझ में आया, बस अब हमारा तीसरा पार्ट क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन, कि आखिर आप नेक्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करोगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन बोला ई आर पी बराबर क्या होगा, ई नॉट आर पी माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ ऊपर में तो क्या आ जाएगा, ऊपर में तो मेरा आ जाएगा हाइड्रोजन गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू बाय कंसनट्रेशन ऑफ एच प्लस का होल स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो गया, तो ई ऑफ आर पी का फॉर्मूला अब आपके पास हो जाएगा माइनस 0.59 बाई टू लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ एच टू बाय एच प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उन्होंने जीरो माना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कुछ ना कुछ इनकी भी वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। तो एस आप स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर चीज़ों को रख रहे हो तो नो डाउट इसका जीरो होगा, अगर मान लो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने नहीं रखा तो चीज़ें आप अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है, आपको आई बस समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ प्रेशर ऑफ एच टू मैं क्या ले रहा हूँ, 1 atm ले रहा हूँ, ठीक है। प्रेशर ऑफ एच टू मैं 1 atm ले रहा हूँ, ई ऑफ आर पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई टू लॉग ऑफ 1 बाय, अब 1 बाय को मैं ऊपर ले लेता हूँ तो एच प्लस का होल स्क्वायर, और ये प्लस में कर दूँ, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आ गया आके, तो ई ऑफ आर पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 पीएच ऑफ कैथोड, पीएच ऑफ कैथोड। अब माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो माइनस माइनस एक बार और मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस, एक माइनस इनके पास चला जाएगा, एक माइनस आगे आ जाएगा, तो इस वजह से मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, माइनस पीएच ऑफ कैथोड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें, फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका प्लैटिनम हाइड्रोजन 10 atm दिया हुआ है, ऑब्लिक CS3 COOH एक्वस, ठीक है, जिसका के दिया हुआ 10^-5 और कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.1 मोलर। देखो मैं चाहता तो आपका H+ का डायरेक्ट कंसंट्रेशन देख के क्वेश्चन आसान बना सकता था, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा आयनिक का यूज़ होना चाहिए, क्योंकि H+ आया तो भैया आपको आयनिक तो एनी हाउ वो क्या करवाएगा, यूज़ करवाएगा, ठीक है। अब आपको ओवरऑल क्या चाहिए, ओवरऑल देखो आपको ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, देखने से पता चल रहा है ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन, एनोड के रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूले में क्या होता है, H+ ऊपर आता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ आता है, नीचे आता है। तो थोड़ा ध्यान से समझना बात को, कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ और मुझे H+ का कंसंट्रेशन निकालना है, तो याद करिए वीक एसिड वाले केस के लिए पहले हम क्या करते थे, के ए बाई से डिवाइड करते थे, तो के ए बाई से कितना होगा, 10^-5 बाय 0.1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो विच इज़ लेस देन कितना, एस एस नंबर याद होगा आपको, तो एच प्लस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के सी, फॉर्मूला याद होगा मेरे हिसाब से, तो आई थिंक 10^-3 क्या आएगा, एच प्लस। तो ई ऑफ ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कितने होंगे, ट्वाइस, रिएक्शन अभी भी क्या होगा, रिएक्शन अभी भी ये होगा, एच टू टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ एच प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एच प्लस का सोर्स वो कुछ भी बना सकता, वो हो सकता सॉल्ट ले ले, सॉल्ट और वाटर ले ले,
हो सकता है वो कोई बफर सॉल्यूशन ले ले, हो सकता है कोई वो बेस एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन ले। आपको ओवरऑल H प्लस निकालो और H प्लस का सोर्स वो कुछ भी यूज कर सकता है, इवन तो पूरा आयनिक यूज करवा सकता है वो आपसे। ठीक है, तो आई होप से यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। और लॉग ऑफ, ठीक है, ऊपर में तो किसका आएगा, H प्लस का कंसंट्रेशन, तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है बेटा मेरा, 10^-3 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 10^-6 10^-7, तो 0.059 इंटू 7 लॉग 10 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 इंटू 0.06 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.06 मतलब 0.42 वैल्यू आ जाएगी, 0.42 वोल्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद सॉरी अच्छा 0.... ये डिवाइडेड बाय 2 तो रह ही गया ना, देखो यहाँ गलती हो गई, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम चला जाएगा, 0.03 इंटू 7 दैट्स नथिंग बट 0.21 वोल्ट। ठीक है, तो आई होप सो इस तरीके के क्वेश्चन आप बना लोगे। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका H2SO4 ऑब्लिक प्लेटिनम हाइड्रोजन। ठीक है, ये दिया हुआ 0.05 मोलर और ये दिया हुआ आपको कुछ नहीं दिया। देखो आपको ऐसे भी कॉम्बिनेशन मिलेंगे जब हाइड्रोजन का कुछ प्रेशर ना दिया जाए, तो समझ के चलना कि हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1 atm, कुछ नहीं दिया जाएगा तो 1 atm मान के चलना, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 21, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान के रखिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ई ऑफ आर पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.059 पीएच ऑफ क्या थोड़ा, तो डायरेक्ट हम पीएच निकाल सकते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस 0.06 अप्रॉक्सीमेटली मान लो इसका पीएच क्या हो जाएगा, H2SO4 का पीएच हो जाएगा, यहाँ पे एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2 × 0.05। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 5 × 10^-2, तो 10 मतलब 10^-1, तो pH की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -0.06 वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 0.06 वोल्ट। आई बात समझ सबको, हाँ या ना। अब ये माइनस है, इसका मतलब आप बोले सर इलेक्ट्रो पोटेंशियल नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब आपको इस कॉम्बिनेशन को एज अ कैथोड यूज़ करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। आई बात समझ में, मतलब ये मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बस है कि कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक और क्वेश्चन करता हूँ, कौन सा नंबर का, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही निकालना है। जिंक सॉलिड ऑब्लिक ZnSO4 एक्वस, ठीक है, 2 मोलर, बट अल्फा मैंने 50% लिया है इसका। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ है CH3COOH एक्वस, ठीक है, जिसका K दिया हुआ 10^-5 और कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोलर ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर दिया हुआ है 10 atm ऑब्लिक प्लेटिनम सॉलिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको देखो, मैं हमेशा ये प्रेफरेंस दूंगा कि पहले आप हमेशा रिएक्शन लिखा करो फुल सेल के केस, अगर आपको फुल सेल का क्वेश्चन बनाना है 2 मिनट लगते हैं रिएक्शन लिखने में, एक बार रिएक्शन लिख लो तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, ये कौन सा सेल है, आप देखो ये है मेटल मेटल आयन हाफ सेल,
ठीक है, ये कौन सा सेल है, ये है आपका गैस आयन हाफ सेल, ठीक है। तो बस आपको अब मैंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन वो कुछ भी जोड़ सकता है, हो सकता है वो मेटल मेटल आयन की जगह हो सकता है मेटल इनसोल्यूबल आयन हाफ सेल और गैस आयन हाफ सेल जोड़ दे, हो सकता है यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल और गैस आयन हाफ सेल, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल और क्या आना चाहिए गैस आयन हाफ सेल मान लो, या मेटल इनसोल्यूबल आयन। बस आपको करना क्या है, तीन ही बातें याद रखनी, उनके रिएक्शन क्या होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे लगता है, और नॉन सिक्वेशन में वो कैसे अप्लाई किया जाता है। ये अगर तीन चीज़ सीख लोगे तो ये कोई भी हाफ सेल आपके क्वेश्चन आने दो इजीली, इवन द एडवांस लेवल में कितना भी हाई लेवल आ जाने दो आप इजीली कर लोगे। बस आपको क्या आना चाहिए, उनका रिएक्शन लिखना आना चाहिए। एक बार आप रिएक्शन उनका लिखना सीख गए ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप इवन द कैलमल इलेक्ट्रोड गैस एंड हाफ सेल को भी कनेक्ट करके एक पूरा फुल सेल बना सकते हो, आप इलेक्ट्रो पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। बस शर्त क्या है, उनका रिएक्शन क्या होता है और उनका नॉन सिक्वेशन कैसे करता है, क्योंकि तो क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट दिया ही जाता है, ठीक है। तो समझो बात को, एनोड पे क्या होगा भैया, मुझे पता है एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक सॉलिड हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, Zn प्लस टू एक्वस में, और दो इलेक्ट्रॉन आपको क्या कर देगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें और इन्होंने क्या दिया हुआ, ई नॉट Zn ऑब्लिक Zn प्लस टू की वैल्यू दी हुई 0.76 वोल्ट, ठीक है, कितना दिया 0.76 बोल्ट, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ था Zn प्लस टू से Zn जो जा रहा है वो -0.76 है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है, तो आप समझिए क्योंकि ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा मेरा एनोड होता है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और कैथोड पे हमेशा क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एच प्लस, यही दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप से यहाँ तक समझ में आए, इसका मतलब इसकी ई नॉट की तो वैल्यू कितनी होगी 0.76 वोल्ट, कितनी होगी 0.76, और इसकी ई नॉट की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0.0 वोल्ट। मैंने हमेशा बात की ई नॉट की जीरो वैल्यू होगी, ई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते वो मैंने आपको समझा ही दिया। इसका मतलब ओवरऑल आपका सेल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल आपका सेल रिएक्शन होगा कि जिंक सॉलिड दो हाइड्रोजन प्लस के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, Zn प्लस टू, और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, और इसका ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.76 वोल्ट, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, याद है कल ही समझाया था मैंने आपको। तो नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल -0.059 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये मेरा फॉर्मूला होता था। तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0.76 -0.006 बाय 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, Zn प्लस 2 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जब प्रेशर दिया हुआ है तो आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। नीचे क्या है, H प्लस का होल स्क्वायर है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया है तो इसका अंडर रूट ऑफ हमने देखा हुआ, ये सेम डाटा का मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, तो बस आप कुछ मत करो, 0.76 वोल्ट -0.03 लॉग ऑफ Zn प्लस टू का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, 2 मोर है, लेकिन उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया है, 1, तो इसलिए मैं यहाँ 1 लिखूंगा, पार्शियल प्रेशर 10 और 10^-3 का होल स्क्वायर, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.76 -0.03 लॉग ऑफ 10^-6, मतलब 10 का पावर क्या आ जाएगा 7, तो 0.76 -0.21, तो ये कितना आ जाएगा 6-1 5 और 50.55 वोल्ट। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस वाज योर ओवरऑल नेक्स्ट इक्वेशन पे जो बेहतरीन लेवल के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो आप हमारे मेटल इनसॉल्युबल एनायन, बट इसमें ये भी एडवांस के इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार एडवांस में आया हुआ है, डोंट वरी। तो जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ ऑलमोस्ट उसमें प्रीवियस ईयर कवर हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे 20-25 क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के चैप्टर खत्म होते होते करवा ही देता हूँ, जिसमें आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी डोंट वरी, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड,
ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक्चुअली है बिल्कुल थ्योरेटिकल पोर्शन, तो बहुत ज़्यादा कुछ समझा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हम लिखते हैं कि ई नॉट Zn से Zn प्लस टू गया इसका 0.76 से, ये 0.76 आया कैसे, बस वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ पहले, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ SCP, absolute value of SCP, because in the condition of equilibrium, no net movement of charges occurs, no net movement of charges occurs, so we can determine only relative value of SCP with respect to a reference electrode and which is SHE assumed by IUPAC। ठीक है, देखो होता क्या, किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना थोड़ा क्या होता है इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो मूवमेंट चार्जेस का कोई मूवमेंट नहीं होता, जब चार्जेस का कोई मूवमेंट नहीं होगा तो वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा नहीं, तो जब वोल्ट मीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं। ठीक, आपने सिंपल सा मान लो Zn SO4 का लिया और आप उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो, तो क्या कोई मूवमेंट होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि Zn और Zn SO4 आपस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेंगे तो कोई मूवमेंट होगा नहीं। तो मूवमेंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोड बगल में जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने Zn SO4 आपने क्या किया, सपोज करो आपने इसको एनोड के जैसे लिया और रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप ऐसे जो हम लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसको कैथोड के फॉर्मेट लिया। अब क्या होगा, यहां से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो होगा लेकिन इस तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे हम लेते हैं SH को, ठीक है, और इसका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जीरो, तो जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ और उस वजह से जो भी वोल्टेज में जो भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा वोल्ट मीटर में, इसका मतलब वो जो पोटेंशियल होगा सिर्फ किसके वजह से होगा, जिंक की वजह से। और इस तरीके से हम क्या कहें, हमने बहुत सारे मेटल का क्या किया है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाला बट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ जैसे आप जब ग्रॉसरी शॉप में जाते हो, पता नहीं यहाँ तो आई डोंट नो बहुत वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन देखना को जो छोटे छोटे दुकानदार होते हो जो आटा चावल आप तो हम लोग पैकेट में लाने लगे आटा चावल वगैरह, पहले क्या होता था आटा वगैरह हम लोग प्लास्टिक में लेकर आते थे, खुले में लेकर आते थे, तो जो दुकानदार होता था क्या करता था कि एक लोहे का जो बटकरा होता है 5 किलो का, वो बगल में तराजू रहता था, लोहे का 5 किलो का बटकरा 10 किलो का बटकरा इधर रखता था और आटे को यहाँ रखता था, तो वो वेट नापता था आटे का, तो उसने जो वेट 10 किलो नापा वो किसके रिस्पेक्ट में नापा, उसने लोहे के रिस्पेक्ट में, आयरन के रिस्पेक्ट में नापा। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एग्जैक्ट वेट उनका भी निकालना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रेफरेंस आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ का। वैसे ही तो होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी एग्जैक्ट पोटेंशियल निकालना थोड़ा नामुमकिन होता है, इस वजह से हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड SHE यूज़ करते हैं ताकि उनका पोटेंशियल हमें मिल जाए। ठीक है, तो जैसे मैं अगर बात करूँ, सपोज कर मैं किसका निकाल रहा हूँ, Zn/Zn+2 का मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, सपोज करो जिंक रॉड ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ Zn SO4 एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, और मैं यहाँ से कंडक्टिंग वायर से वोल्ट मीटर कनेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे,
थोड़ा ड्राइंग खराब है बट एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? ड्राइंग खराब है, कॉन्सेप्ट खराब नहीं है मेरे, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एच टू गैस मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे एस सी एल सॉल्यूशन, ठीक है? अब यहाँ से जो भी दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन देंगे, क्योंकि इनका तो ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल जीरो माना जाता है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, सबका पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है? जैसे इनका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो जिंक सॉलिड होगा ऑब्लिक जेड एन प्लस टू ऑब्लिक एच प्लस एक्वस और प्रेशर ऑफ प्लैटिनम हाइड्रोजन, ठीक है? इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हमने सीखा हुआ। मुझे पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो Zn किस में जाएगा, Zn प्लस टू, दो इलेक्ट्रॉन और E नॉट Op मेरा ये होगा, और H प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा। और इसका तो हम जीरो मानते हैं, तो इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस टेंस टू गिव Zn प्लस टू प्लस हाइड्रोजन और E नॉट सेल बराबर हो जाएगा E नॉट Op के बराबर, वट एवर जो भी वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है? अभी हम निकालना सीखेंगे। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, तो नंस्ट इक्वेशन अप्लाई करूँ मैं, क्योंकि हम ये जो कनेक्शन करते हैं ये हम पहले से मान के चलते हैं कि मेरा सिस्टम किस में है भैया, सिस्टम मेरा मतलब ये वाला जो पार्ट है वो मेरा इक्विलिब्रियम है, तो जब भी इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका और हो या नहीं हो वैसे भी इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है? और आपने क्या किया, स्टैंडर्ड कंडीशन लिया सब चीज़ का, क्या लिया आपने, स्टैंडर्ड कंडीशन में कर रहे हो, क्योंकि जब भी हम क्योंकि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हो और वो भी कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, तो ऑब्वियस बता आपको हर कंडीशन किस में रखनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड कंडीशन में रखनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड कंडीशन रखने पर आपको नेक्स्ट इक्वेशन में क्या आ जाएगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई टू लॉग ऑफ पार्शल प्रेशर ऑफ एच टू इंटू जेड एन प्लस टू कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय एच प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है? अब आप समझो बात को, ये जीरो, ये वन और ये वन, और ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पार्शल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वन, कंसनट्रेशन वन और ये भी वन, तो वन बाई वन, वन लॉग वन जीरो, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जो ई सेल की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ई नॉट ओपी की वजह से। आई बात समझ में, इसका मतलब जो भी डिफ्लेक्शन यहाँ मुझे मिलेगा वो इसी की वजह से मिलेगा। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबका हर मेटल का क्या करते हैं, हम ये निकालते हैं। इसका मतलब यहाँ से जो E नॉट Zn ऑब्लिक Zn प्लस टू की वैल्यू मिली, या तो वो प्लस 0.76 वोल्ट मिलेगा, या तो E नॉट Zn प्लस टू ऑब्लिक Zn मिलेगा वो माइनस 0.76 वोल्ट होगा, ठीक है? अब ओवरऑल बात होता क्या, समझो बात को, कि अब बोलोगे सर ये नेगेटिव कैसे, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, आपने उसको गलत वे में डोला, आप निकाल रहे हो क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपने वो मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, लेकिन आप निकाल रहे हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑब्वियस बात है डिफ्लेक्शन जो मुझे मिलेगा वैल्यू वो नेगेटिव में मिलेगा, ठीक है? तो आई होप सो ये सब चीज़ें समझ में। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक मिनट जस्ट होल्ड करना, साइंटिस्ट ने किया क्या इस चीज को, अब साइंटिस्ट ने जितने भी मेटल्स हैं सबका उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? और किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और उन्होंने सबको एक लाइन में बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर कि भाई जिसका सबसे मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको बताऊंगा वो रिडक्शन पोटेंशियल है, आपके बुक में जो एनसीईआरटी बुक में दिया वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो थोड़ा बात ध्यान से समझना। तो उन्होंने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल हर मेटल का कैलकुलेट किया और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने उसको रीअरेंज किया, और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आसान पॉइंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीजों को।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी से मिला है। हर मेटल का उन्होंने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला और उनका एक सीरीज में कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक के रिएक्शन तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही बना सकते हो, ठीक है। कैसे वो समझाऊंगा मैं आगे, देखो, सीरीज ऑब्टेंड व्हेन एलिमेंट्स आर, सीरीज ऑब्टेंड व्हेन एलिमेंट्स आर, सीरीज ऑब्टेंड्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी ये शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ मैं। दिस सीरीज गिव रिलेटिव वैल्यू ऑफ एस आर पी and that are relative to hydrogen electrode, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग देगा, और also known as एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज भी इनको बोला जाता है। इससे मुझे पता चलता है कि किस एलिमेंट्स या किस मेटल की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा, एक्टिविटी मतलब रिएक्ट होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ठीक है। मैं पूरा तो नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे जो बट हमारे जो मोस्ट ऑफ द काम के हैं मैं वही लिखूँगा, रिएक्शन, ठीक है, SRP, ठीक है। तो पहला है मेरा Li plus aqueous, वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Li सॉलिड में चला जाता है, ठीक है। दूसरा है Zn+2 aqueous, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Zn सॉलिड में चला जाता है, ठीक है। Fe+2 aqueous, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Fe सॉलिड में चला जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट मैं जो काम के बस उतने लिख, जितने से मेरा काम चल जाएगा। बाद में क्या आता है, Twice of H+, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है -3.05 volt, इसकी वैल्यू है -0.76 volt, इसकी वैल्यू है whatever, ठीक है, जो भी होगी, बट इससे कम ही होगी, ठीक है, जो भी मैंने लिखा नहीं है, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी होगा। और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0। तो ये मेरा क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्या, जैसे बताऊंगा। Cu+2, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड बनाएगा, इसका वैल्यू होता है +0.34 volt, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरा Ag+aqueous, वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर सॉलिड बनाता है, इसका वैल्यू होता है +0.8 volt। और उसके बाद आता है मेरा डॉट डॉट डॉट, हाँ मैं बहुत सारे होंगे इनके बीच में। और उसके बाद क्या होता है, F2, ठीक है, फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ मैं, F2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, 2F- बनाएगा, क्या बनाएगा, 2F-, तो इसका वैल्यू होता है +2.87 volt, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, डाउन जैसे मैं जा रहा हूँ, SRP की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। और आप ऐसा भी बोल सकते हो, डाउन में जाऊँगा तो ऊपर की तरफ मैं जाऊँगा तो ऊपर की तरफ SOP की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे की तरफ SRP की वैल्यू बढ़ रही तो ऊपर की तरफ क्या होगी, SOP की वैल्यू बढ़ेगी। पहली बात मुझे ये सीखने मिलेगी इस सीरीज से। दूसरी बात क्या है, आप देखो, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे, ठीक है, जितने भी मेटल होंगे वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, क्यों, क्योंकि देखो
अब ऐसे समझो बात को, Li प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Li सॉलिड में जा रहा है, मतलब इसके रिडक्शन होने की टेंडेंसी -3.05 है। तो आप ऐसा बोल सकते हो इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। बराबर, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो लेफ्ट मोस्ट वाले जो मेटल होंगे ये हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जिसमें सबसे अच्छा वाला कौन सा होगा, Li प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, Li प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर समझ में आया, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे क्या होगा कि आप देखो, आप पूरे पीरियडिक टेबल में फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, मतलब अपने आप को ये सबसे पहले, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को नोबल गैस बनाने के लिए, इसका मतलब इसकी जो टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की या नॉन एलिमेंट में होती है, दैट इज वाई इट इज़ हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप बोलोगे सर ये बात तो आपने रेडॉक्स रिएक्शन में बताया नहीं था, उसका एक रीजन है। अभी मैंने क्या बोला, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये खुद रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब जितना जल्दी ये खुद को रिड्यूस करेगा उतना ही जल्दी दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज भी करेगा। ये इतना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि इनको नॉर्मल रिएक्शन में कभी भी हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है कि रिएक्शन मतलब क्या होता है, आग लगने के वोलाटाइल, बहुत ज्यादा वोलाटाइल नेचर का होता है, ठीक है, रिएक्शन को बहुत ज्यादा वोलाटाइल बना देता है, आग लगने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपने शायद हैलोजनेशन नहीं पढ़ा होगा एल्केन वगैरह का, तो हैलोजनेशन वगैरह जब आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में तो उसमें ये बताया जाता है कि कभी भी हम फ्लोरीन को हैलोजनेशन के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हैलोजनेशन यूज करने के लिए आपको HMU के प्रेजेंस, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में आपको हैलोजनेशन करवाना पड़ता है। लेकिन ये क्या होता है, ये डार्क में भी रिएक्शन कर देगा और इतना रिएक्ट कर देता है कि कार्बन को पूरा जला देता है, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस कर देता है। That is why fluorine हम कभी भी as a oxidizing agent use नहीं करते, although ये सबसे ज़्यादा है। अब down the group मैंने क्या बोला, activity decrease करते जा रही, मतलब highly active metal कौन से, देखो H plus के ऊपर जितने भी metal होंगे वो highly active होंगे, मतलब ऊपर वाले नीचे को क्या कर सकते हैं, replace कर सकते हैं किसी भी solution से, ठीक है। तो कुछ points जो मैं लिख देता हूँ application of ECS के बारे में, ठीक है, क्या है, हायर इज द एसआरपी ऑफ द सब्सटेंस, हायर इज द एसआरपी ऑफ द सब्सटेंस, हायर इज द एसआरपी ऑफ द सब्सटेंस, मोर विल बी टेंडेंसी टू रिड्यूस, मोर विल बी टेंडेंसी टू रिड्यूस। ऑब्वियस बात है, जितना ज़्यादा SRP की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा रहेगी, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा, ठीक है। एंड हैंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर, एंड हैंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बराबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद को रिड्यूस करता है, दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो जितनी ज्यादा रिड्यूस, खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी रहेगी, मतलब वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लोअर इज द SRP, लोअर इज द SRP, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जो आपको जो सिखाया है वो NCERT के अपोजिट है। मैं यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर, NCERT में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात किया, तो प्लीज आप मेरे को फॉलो करो, क्योंकि आपको इसी से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। डजेंट मैटर कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाओ या रिडक्शन पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट वही रहता है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितना भी मेटल होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन को किसी भी एक्वा सॉल्यूशन से वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, और ये हाईली, तो एक्टिविटी क्या होती है, मेटल की एक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, और जितने भी नीचे के एलिमेंट्स हो क्या होंगे, हाईली इनका SRP ज़्यादा है, तो हाईली अच्छे, मतलब हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, ठीक है। तो लोअर इज द SRP, सो हायर विल बी टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, सो हायर विल बी tendency for oxidation, higher will be tendency for oxidation, higher will be tendency for oxidation, and hence substance will be, and hence substance will be, and hence substance will be
स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ही अच्छा क्या होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है बेटा, याद रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करो, एलिमेंट है प्लस एन इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस्ड एलिमेंट बना दिया, सपोज करो क्या बनाया वो रिड्यूस्ड एलिमेंट बनाया। ठीक है, सपोज करो रिएक्शन ये होता है, एलिमेंट एक स्ट्रॉन्ग लेके रिड्यूस्ड बना दिया। ठीक है, तो याद रखना अगर SRP ज़्यादा है, थोड़ा बात ध्यान से समझना, अगर क्या है SRP ज़्यादा है तो एलिमेंट वाला क्या होगा बेटा, एलिमेंट वाला स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका SRP ज़्यादा है, और रिड्यूस्ड एलिमेंट वाला क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, रिड्यूस्ड एलिमेंट इसलिए देखो Li प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस, नॉट Li कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, Li प्लस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब कभी भी याद रखना एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, समझ में आई बात सबको, आई होप सो यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल क्या होना चाहिए मेरा ग्रेटर देन जीरो। मतलब आप अगर ऐसा है तो सीरीज में अगर आपको चुनने बोलेंगे तो जितना ज़्यादा हायर ऊपर वाले को, जितना ज़्यादा ऊपर में एलिमेंट है तो उसको एनोड बनाओ, और जितना एलिमेंट नीचे में है उसको क्या बनाओ कैथोड। तो ये क्या होगा आपका अच्छा, मतलब एनोड सेल हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। तो हायर लोअर SRP वाले को आप चूज़ करो, जितना ज़्यादा लोअर SRP होगा वो उसको एनोड बनाओ, और जितना ज़्यादा हायर SRP वाला होगा उसको क्या बनाओ कैथोड। या ऐसा बोल सकते हो हायर SOP वाले को एनोड बनाओ और हायर SRP वाले को कैथोड बनाओ। ठीक है, बात वही है, इसका मीनिंग वही है, एंड एनोड शुड बी हायर अप। तो जितना ऊपर वाला रहेगा उतना अच्छा एनोड रहेगा, जितना नीचे वाला उतना अच्छा कैथोड रहेगा। ठीक है, एंड एनोड शुड बी हायर अप इन द सीनियर, एंड एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज, हायर अप इन द सीरीज, एंड व्हाइल कैथोड कैन बी एनी सब्सटेंस बिलो इन द सीरीज। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आयरन को सेलेक्ट किया एज अ नोड, अब इसके नीचे वाले को आप कोई भी एलिमेंट को क्या बना सकते हो कैथोड बना सकते हो। ठीक है, बट ऊपर वाले को आप अगर आपने कैथोड कर दिया तो इनोड सेल नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक। जैसे आपको याद होगा मैंने जो एग्जाम्पल लिया था जिंक और कॉपर का, पहला एग्जाम्पल तो जिंक देखो कहाँ था ऊपर है तो हायर अप इन द सीरीज में है, और कॉपर कहाँ है बिलो इन द सीरीज है। देखो जिंक के काफ़ी नीचे है कॉपर, तो दैट इज़ वाई इनोड सेलिंग का क्या आता था पॉजिटिव आता था। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस अबव बिलो इन द, मतलब ऊपर वाला क्या कर सकता, क्योंकि मैंने क्या बोला डाउन द ग्रुप एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट या मेटल क्या हो रहा है घट रहा है। मतलब ऊपर वाले हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी रहते हैं सारे मेटल होते हैं, बट जितने भी प्रेडिक्टेबल मेटल है सब हाइड्रोजन के ऊपर आएंगे। मतलब डाउन जितना ज़्यादा मेटल ऊपर रहेगा उतना हाईली रिएक्टिव रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले को इजीली क्या कर सकता है डिस्प्लेस कर सकता है। तो एलिमेंट प्रेजेंट अबव इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस एलिमेंट बिलो इन द सीरीज फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा ZnSO4 + Cu सॉलिड। कैसे,
देखो जिंक का जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेडन से जेडन प्लस टू, इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या रहा, सी यू प्लस टू से सी यू में जा रहा है, तो ओवरऑल इनोड सेल मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, और आप और ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि जिंक ऊपर है तो हाईली एक्टिव मेटल है, कॉपर नीचे लो रिएक्टिव मेटल है, इसका मतलब ये इजिली क्या कर सकता है, इसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन उल्टा करूँ मैं, कॉपर प्लस जेड एन एस ओ फोर मैं करूँ तो ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इनका इनोड सेल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू विच रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। हम अच्छा मेटल किसको मानते हैं, जो भाई जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, जो अच्छा मेटल क्या है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, वो मेरे लिए हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। बट आप देख रहे हो डोनेट करने के छोड़ो, नीचे जाते समय इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर के बजाय इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर मेटल का बढ़ जाता है, इस वजह से रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो भी लिख देता हूँ मैं, ऑलमोस्ट बस अब ख़त्म ही होने वाला है आपका, ज़्यादा देर का टॉपिक नहीं है। तो प्लीज़ सर, सारे पॉइंट्स होंगे ना, आप इनको समझ के ही करिएगा, बेटर वही रहेगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या आपका, सिक्स पॉइंट ये है, जैसे समझो बात को, कैसे अल्कली मेटल, ठीक है, या अल्कली अर्थ मेटल, ये ऑब्वियस बात है, ये इनके हाइड्रोजन के ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर रहता है, तो ये क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते। मैंने क्या बोला, जितने भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है वो वाटर में से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मैं जैसे अगर बात करूँ Li प्लस, अगर मैं H2O के साथ रिएक्ट करूँगा तो ये क्या देगा, LiOH प्लस हाइड्रोजन गैस को ये इजिली डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मान लो थोड़ा नीचे जाते जाओ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, इनको थोड़ा सा क्या होता है, गर्म पानी लगता है, ये कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं कर सकते। कोल्ड वाटर में सिर्फ और सिर्फ Li प्लस या उसके नीचे का एक, वो ही दो एलिमेंट क्या कर सकते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते, बाकी सबको थोड़ा गर्म पानी लगता है, ठीक है। ये हॉट वाटर के साथ क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं वाटर को, ठीक है। कॉपर, Ag, गोल्ड, मर्क्यूरी, आप इनको स्टीम के साथ भी रिएक्शन करवा दोगे ना तो भी ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, आई बात समझ में, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, मेटल प्रेजेंट अबव इन द हाइड्रोजन कैन रिलीज हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, मतलब आप किस हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल होंगे, अगर आप उनको डाइल्यूट एसिड, नॉट कंसनट्रेटेड एसिड की बात कर रहा हूँ, मैं डाइल्यूट एसिड की बात कर रहा हूँ, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को इजिली डिस्प्लेस कर सकते हैं उसमें से, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन ECS will release hydrogen in reaction with dilute acid while metal present below H2 will not release, ठीक है। कहने का मतलब अगर आयरन है डायल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये क्या दे सकता है आपको, FeSO4 दे सकता है प्लस
हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है? नहीं, आयरन जो है वो नीचे प्रेजेंट, Fe प्लस टू ऊपर प्रेजेंट रहता है, सॉरी माई मिस्टेक। आयरन जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे रहता है, ठीक है? तो दैट इज़ वाई हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकता। कॉपर भी अगर आप देखो तो डायल्यूट H2SO4 के साथ ये भी कभी भी हाइड्रोजन COSO4 प्लस H2 होना तो ये चाहिए, बट ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि Fe प्लस टू पर रहेगा हाइड्रोजन के, लेकिन Fe जो है वो क्या रहता है, नीचे रहता है, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो हेयर इज द कम्स टू आवर एंड ऑफ द दिस लेक्चर। मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारा शायद कंसंट्रेशन सेल होगा, तीसरा चौथा, मतलब हार्डली 10 लेक्चर में तुम्हारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, और ट्राई करेंगे 15 जून तक हमारा सिलेबस ख़त्म करने का फिजिकल का, ठीक है? तो यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच।